हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्रेज स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 का जो एग्ज़ाम है, आज 16 अगस्त है। इसकी फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं और कुछ क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखने वाले। तो फ्रेंड्स, अभी से मैं पहले बोल दूँ कि मैं देखिए आपको शिफ्ट होने के बाद में कमेंट डालता हूँ, कम्युनिटी टैब पर आप जाकर देखें, ओके। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप बेल का आइकन दबाएं, पहले सब्सक्राइब करें फिर बेल का आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा, वो जो नोटिफिकेशन डालूंगा, जो मैं आपको कमेंट करने के लिए डालूंगा, उसका जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसको आपको दिख जाएगा कि भाई हाँ, इसमें आपको लिखना है। तो वहाँ पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या क्वेश्चन आया है। फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन 100% बिल्कुल सही है और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए हैं तो मैं बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को इन तक देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, थर्ड वीडियो जो होगी, यानी कि आपको जो थर्ड शिफ्ट रहेगी उसमें पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी और पूरा एनालिसिस मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहला क्वेश्चन था, कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? तो पहली बात, बनास, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो सभी को पता है भैया, गंगा नदी तो बंगाल खड़ी मिलती है, गोदावरी भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है। तो यहाँ पर हमारे पास आती है एक ही बस्ती है, वो बस्ती है बनास नदी। तो बनास नदी कैसी नदी है जो कि पूरे राजस्थान में भ्रमण करती है और प्रवाहित होती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कैसी है चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, एक मात्र ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान के राजस्थान ही में करती है। और बनास यानी कि अर्थात वन की आस, क्या है वन की आस, इसका नाम जो है इसका अर्थ एक वन की आस होता है के रूप में जानी जाती है, यह जाने वाली नदी है। उदयपुर के जिले से अरावली पर्वत श्रेणी में कुंभगढ़ के पास कमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावलियों के पर्वत से निकलती है। कहाँ से? कुंभगढ़ जो कमनौर की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है। अगला देखेंगे बंगला त्योहार, ये बंगला है, वाह है, वहाँ पर वाह कर लीजिएगा, वाह है वो, क्या है वाह कर लीजिएगा उसको, ठीक है, वंगला, ठीक है, तो वाह वन वाला है वो। वंगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय का नागालैंड मनाया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, बंगला का मतलब है सौ ढोल, क्या है सौ ढोल होता है, सौ ढोल होता है, ठीक है, ओके। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने है। अब बुक पूछी है आपसे, डेली पूछ रहे हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बुक जो है रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई जॉन मेनार्ड केनी द्वारा, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनकी बुक फेमस है, तो ये पढ़नी थी आपको। मैंने ऑलरेडी बताया रखा था, 27 बुक बताई थी मैंने आपको, इस 27 बुक्स में से अभी तक की 4 से 5 बुक्स आ चुकी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस देखने के लिए बोल रहा हूँ। ये थर्ड हम करते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं अमल अभी तक नहीं हुआ है तो थर्ड एनालिसिस देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो जिस शिफ्ट का है उसी शिफ्ट का देखिए बस। अगला देखेंगे, किस धातु का नाम बल्फम है? तो बल्फम जो है टंगस्टन का है, जिसे हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। अगला क्वेश्चन, 1976 में हुए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो फ्रेंड देखिए बता दूं, 42वें संविधान संशोधन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में एक साल से कहें तो एक एग्ज़ाम की बात नहीं हो, यहाँ पर एक साल यानी कि 18 और 19 के एग्ज़ाम में ये कम से कम 5 बार आ चुका है और ये एग्ज़ाम में भी आते रहेगा, तो पढ़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार गुलाबी रंग में पेश किया गया? जो 2017 और 2018 का आर्थिक सर्वेक्षण था, यानी कि जो अरुण जेटली ने जो है पेश किया था, उसे गुलाबी रंग में पेश किया था, और ये था क्या, ये महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण के लिए पेश किया गया था, ठीक है। अगला है GDP क्या है? GDP का ऑलमोस्ट आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, या तो GDP पूछते हैं या फिर GDP की फुल फॉर्म पूछते हैं या फिर GDP का फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर GDP होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ओके। यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है उपभोग, ठीक है, प्लस सकल प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस इसमें हम जो होता है नियत, इसमें क्वेश्चन में रखते हैं नियत और माइनस आयत, ठीक है, या फिर हम इसको GDP को यहाँ पर कर सकते हैं, सकल को हम बोलेंगे, उपभोग को बोलेंगे C से डिनोट करेंगे, सकल को डिनोट करेंगे I से, और G को डिनोट करेंगे हम
यहाँ पर सहकारी खर्च से ओके नियात निर्यात को एक्स से और आयात को एम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अगला चलेंगे पंचायती राज का चुनाव कौन करता है, तो ऑब्वियसली है राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो करता है। और फ्रेंड देखिए 73rd वाला संविधान संशोधन था, आपको बता दूँ 434 जो है अमेंडमेंट था यहाँ पर। और बता दूँ फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, नागौर जिलों में जो है इसको पहली बार अप्लाई किया गया जवाहरलाल नेहरू थे 1951 में। और फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग लगभग SSC के जो है हर दिन पंचायती राज का क्वेश्चन आया, तो आपको कल सुबह तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे पंचायती राज के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। शो टेंपल कहाँ है, तो शो टेंपल जो है महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित है। कहाँ पर, महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है और पौराणिक काल में महान कला के यह मंदिर दर्शाता है। ओके, शौर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से लेकर 728 ईस्वी के समय हुआ था। अब यह है तटीय शहर महाबलीपुरम यानी कि ममल्लापुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा बन चुका है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया गया। फ्रेंड बता दूं, जो आपको बता दूं असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, तो और जो छः आंदोलन है मुख्य छः आंदोलन मैंने आपको पहले ही बताए थे, जब आपको 3 अगस्त या 2 अगस्त को एग्जाम स्टार्ट हुआ था पहले ही मैंने बता दिए थे कि भाई ये हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स उसमें से कम आपके 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, असहयोग आंदोलन की कहें, नॉन कॉरपोरेशन और भी आंदोलन थे जो भी नमक कानून उससे भी रिलेटेड था, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड थी, जो आपका झंडे से रिलेटेड था कि भाई झंडे में लास्ट जो डिसीजन था चरखे का डिसीजन था वो उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और कल के भी कराए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1922 में चोरा चोरी कांड, एक जगह है चोरा चोरी कांड, ठीक है। अब चोरा चोरी कांड एक्चुअल में हुआ गया, देखिए जब वहाँ की पुलिस जो पुलिस थी वो पुलिस एक्चुअल में वहाँ पर क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी किस चीज़ का, देखिए वो क्या कर रही थी, वो लोगों को रोक रही थी, क्या कर रहे थे लोग बाग, लोग बाग कर रहे थे जुलूस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है। अब जुलूस निकाल लेते, ठीक है, अब जुलूस निकालते समय क्या हुआ, उनको रोका गया। अब जब जुलूस को रोका गया, चोरी चोरी जो जगह है, जगह का नाम है वो, तो जगह पर क्या हुआ, जो जनता है वो भड़क गई और पूरे स्टेशन में जो है आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी, जिससे क्या है यहाँ वहाँ के लोग मर गए, ओके, मतलब स्टेशन में जो व्यक्ति थे यानी कि पुलिस वाले थे वो मर गए, उससे क्या है और भी जो हमारा जो गांधी जी थे उन्होंने जो है नॉन कॉरपोरेशन को वापस ले लिया। और ये भी कारण था कि जो नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन था वो इतना सफल आंदोलन नहीं था, क्योंकि उससे पहले देखिए जलियांवाला बाग हुआ, उससे पहले और भी चीज़ें हुई जिससे क्या वो सफल मतलब नहीं माना जा रहा था, इसलिए उसको वापस भी जल्द से जल्द ले लिया गया। अगला है ऊर्जा का SI इकाई क्या है, तो ऊर्जा की SI इकाई होती है जूल, ठीक है, इसको सही कर लेंगे PDF के टाइम पर। ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें एक अक्षर यानी कि एक वर्ड दर्शाया जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड होते हैं, इस प्रकार के 14 वर्ड होते हैं जिसमें देखा है आपने हाइड्रोजन यानी कि ऐसे आप डिनोट करते हैं, बी से ब्रोन करते हैं, ठीक है, के से पोटेशियम करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं सोडियम करते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पर कार्बन, ओके, कार्बन भी करते हैं हम, ठीक है, सी से करते हैं। तो ये मुख्यतः एक अक्षर बोलेंगे, ओके, तो इसको भी 14 होते हैं, कितने 14 होते हैं आपके ऑप्शन में था। अगला है बाफ्टा अवार्ड 2018 बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया, तो इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि देखिए कभी भी कोई अवार्ड आता है हमारे लिए तो ज़रूरी हो जाता है उसके आगे भी पढ़ना है। तो देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म क्या, लिस्ट ऑफ बाफ्ट, ओके, इसका पूरा पहले तो इसके बारे में बातेंगे, ओके, लिस्ट भी बात करेंगे 2018 के विजेता कौन कौन थे। तो पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म मिली 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग को, ठीक है, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड बेमिंग को मिली। मिस्री देखिए मिसौरी को जो मिली, ठीक है, अगला जो है वो है उत्कृष्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है थ्री बिलबोर्ड्स आउटस्टैंडिंग इविंग इसको ही मिली। डायरेक्शन के लिए मिली गिलमो डेल टोर,
ठीक है, द सेप द शेप ऑफ वाटर, मतलब द शेप ऑफ वाटर फिल्म थी और इनका नाम था गिलमोर डेल टोरो। ठीक है, अगली जो है बेस्ट एक्टर जो है अभी इनसे पूछा गया है, वो पूछा गया है फॉन्सेंस मैकडोमंड। ठीक है, ये कौन सी मूवी थी भैया फॉन्सेंस मैकडोमंड, यदि थ्री बिलबोर्ड्स आउटस्टैंडिंग एबिंग एबिम। ठीक है, अगला जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि ओके ये सॉरी बेस्ट एक्ट्रेस है, और अब एक्टर पूछे हमसे, हमसे पूछा एक्टर, एक्ट्रेस नहीं पूछा, हमसे पूछा एक्टर, तो ये है गैरी ओल्डमैन। क्या है, गैरी ओल्डमैन है, और गैरी ओल्डमैन की मूवी है डार्क डार्क डार्केस हावर। क्या है, डार्केस हावर। ओके चलिए आंसर आपका ये था डार्केस। ओके अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अभी हैं फिलहाल में अजीत डोवाल, बहुत ही फेमस बंदे, और यहाँ पर हैं पहली बार जो बने थे वो बने थे ब्रजेश मिश्रा। कौन बने थे, ब्रजेश मिश्रा बने थे। अगला है, पेंटर रवि राजा वर्मा किस राज्य से हैं, तो ये दूसरी बार क्वेश्चन है और ये आंसर आएगा केरल। क्या आएगा, केरल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, ऑर्डर बता देता हूँ, पहले महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में, उसके बाद में मध्य प्रदेश पाई जाती है। जो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पर आप डिक्रीजिंग मतलब में जाएंगे, मतलब कि इस प्रकार से जो डिक्रीजिंग में जाएंगे। ठीक है ओके, तो ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है। अगला देखेंगे, पिकॉक आइसलैंड कहाँ है, तो ये सबसे पहली बात होता है, तो ब्रह्मपुत्र ऐसी एक ऐसी नदी है जिस पर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वर्ल्ड हेरिटेज भी है। ओके तो इसका नाम है मांझली, और सबसे छोटा जो है उसका नाम है पिकॉक आइलैंड, जो कि असम जो है असम गुवाहाटी के पास में है। ठीक है, आंसर है असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। अगला देखेंगे, तो देखिए अगला क्वेश्चन तो नहीं है, इतनी क्वेश्चन हमारे पास। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपने देखिए अगर आप और भी वीडियोस देखने चाहते हैं और भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में जो है एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है जो कि रेड है, अगर रेड दिखा रहा है तो उसे दबा दीजिए, और अगर आपको बेल का आइकन दिख रहा है तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे क्या जितनी नोटिफिकेशन हो तुरंत मिले उन वीडियोज़ को आप देख पाएँ। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।